हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित गायकवाड़ एरॉन्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एरॉन्स की तरफ से 18 इंच स्पीकर जिसका मॉडल नंबर है 18FE1700। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पीकर के बारे में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप ये मिस करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए 18FE1700 इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये 18 इंचेस बेस स्पीकर है। ये स्पीकर आप सिंगल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं, ड्यूअल बेस कैबिनेट में भी यूज कर सकते हैं। इसका AES पावर 1700 वॉट है। वॉइस कॉइल 4.5 इंचेस है, इसकी वजह से आपको बेस का पंच बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 32 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज तक है। इसका वजन 16 किलो है। और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। तो आइए इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आइए हम 18FE1700 इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग किया हुआ है, दोनों तरफ से टेप मारा हुआ है, बीच में भी टेप मारा है। अभी मैं इसको काट रहा हूँ, इस टेपिंग को मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। बहुत ही मजबूत पैकिंग है, काटने के लिए भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये मैंने बक्सा ओपन किया है अभी। ये बक्सा ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी ये चीज। अंदर भी एक कार्टन पैकिंग है। कार्टन पैकिंग इसके लिए दिया गया है कि आप कोई भी 18 इंच स्पीकर एरॉन से मंगाते हैं या कोई ये मॉडल भी आप मंगाते हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट के वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में डैमेज भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। अभी ये मैं कार्टन पैकिंग ओपन कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार तरीके से पैकिंग किया हुआ है ये प्रोडक्ट। ये आप देख सकते हैं अंदर में भी प्लास्टिक की थैली मतलब पन्नी में ये स्पीकर जो है पैक किया हुआ है, क्योंकि बारिश में मतलब कि अगर आपका पीस कोई ट्रांसपोर्ट में है और अगर बारिश भी आ जाए तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो गीला नहीं होएगा, डैमेज नहीं होगा। ये अभी मैं स्पीकर इसमें से उठाता हूँ। ये मैंने स्पीकर उठाया इसमें से। बहुत ही हेवी स्पीकर है ये, आप देख सकते हैं। अंदर भी आपको अलग से एक स्पीकर के साइज का कर्टन जो बना हुआ है कंपनी ने भेजा हुआ है ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से पैकिंग की है। अगर आपका प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको गिरता है या कुछ होता है तो प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, जो है बक्सा आपका हल्का सा दब जाएगा लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने स्पीकर को अनबॉक्सिंग कर दिया है, हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि स्पीकर की बैक साइड। बैक साइड में आप देख सकते हैं कि ये बैक प्लेट है स्पीकर की। बैकप्लेट के बाद सबसे पहले आप अगर आप सही से और अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे तो स्पीकर के पीछे की तरफ ही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि स्पीकर कितने वॉट का है, मॉडल नंबर क्या है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे है लिखा हुआ 18FE1700, मतलब ये स्पीकर का मॉडल नंबर है। यहाँ पे लिखा है 1700 वॉट, मतलब कि ये स्पीकर का पावर रेटिंग है, कितने वॉट का स्पीकर है वो। यहाँ पे लिखा हुआ है 115 mm इन और आउट वॉइस कॉइल, मतलब 4.5 इंची वॉइस कॉइल जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 18 इंच 8 ओम्स, मतलब स्पीकर कितने इंच का वो भी लिखा हुआ है, और स्पीकर का इम्पीडेंस भी लिखा हुआ है जो 8 ओम्स है। यहाँ पे एरॉन्स का सिंबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एरॉन्स और नीचे लिखा है एरॉन्स इंडिया। बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये बास्केट है, बहुत ही मजबूत और शानदार है, मुझे तो बहुत पसंद आया है, मजबूत भी है बहुत अच्छी तरीके से। ये बैक प्लेट जो है और ये मैग्नेट, ये मैग्नेट जो है इसका हाइट जो है 25 mm है, और इसका जो साइज जो है मैग्नेट का वो 250 mm है। आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और मैग्नेट का जो ग्रेड है वो Y35 ग्रेड है। अभी हम थोड़ा आगे आते हैं, आगे की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रेड और ब्लैक कलर में आपको कलर कोडिंग के साथ यहाँ पे टर्मिनल्स दिए हुए हैं जिसमें आप स्पीकर की वायर्स कनेक्ट करेंगे। तो वायरिंग करते वक्त आपको कुछ दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन का जो है मतलब वायर, रेड वायर यहाँ पे लगेगा और ब्लैक वायर यहाँ पे लगेगा, कलर कोडिंग के हिसाब से आप वायरिंग करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको ये पुश बटन की तरह मतलब कि एक बार आप प्रेस कर देंगे तो ये जो टर्मिनल से नीचे चले जाते हैं, तो आपको बाकी स्पीकर की तरह सोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार प्रेस कर देंगे और यहाँ से आप वायर कनेक्ट कर सकते हैं। सेम ऐसे ये भी टर्मिनल को आप कर सकते हैं, दोनों को भी आप पुश बटन की तरह भी वैसे यूज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर वायर जो है वो मेन लीड वायर है,
जिससे वो अंदर तक स्पीकर तक कनेक्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये स्पीकर का फ्रंट साइड है, बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है फ्रंट साइड से भी। ये कॉर्न पेपर जो है स्पीकर का बहुत अच्छी क्वालिटी का है और इसका सस्पेंशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। देखिए मैं आपको बार बार ये सस्पेंशन मूव करके दिखा रहा हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेपर भी यूज हो रहा है, सस्पेंशन भी बहुत स्मूथली हो रहा है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात, आपको इसमें जो होल्स है वो सिंगल होल्स नहीं है, डबल होल्स है। डबल होल्स का बेनिफिट ये रहेगा कि आपके बेस के कैबिनेट में ये जो स्पीकर जो फिटिंग होगा तो आप इसको डबल होल्स के साथ आप फिटिंग कर सकते हैं, जो कैबिनेट में बहुत अच्छी तरीके से और स्ट्रांगली फिटिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पीकर में जो येलो में जो यूज हुआ है वो जो है वो स्पीकर का स्पाइडर है। इस स्पीकर में ड्यूअल स्पाइडर यूज हुआ है और उस स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे ये रिंग है वो रिंग यूज की हुई है। वो रिंग इसके लिए यूज की गई है क्योंकि आपकी जो स्पीकर की मूविंग की वजह से आपका स्पाइडर जो है वो लूज ना हो। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी आपका स्पीकर मूव हो जाएगा तो आपका स्पाइडर जो है वो लूज ना हो जाएगा, और उस स्पाइडर को होल्ड करने के लिए यहाँ पे जो है ये रिंग यूज हुआ है। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।